खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज और मैं हूं पंकज भट्ट। अपना लाइव की टीम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए आज बीरपुर के क्षेत्र में है, जो कि एक समय था, एक वक्त था ऐसा, जो यहां से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की संख्या लगभग 90% से ज्यादा हुआ करती थी। अभी का परिदृश्य क्या है, अभी की स्थिति क्या हो रही है, कितने बदलाव आ पाए हैं, मैं बात करता हूं यहां के जनप्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह से। जी सर बताएं क्या स्थिति। वामपंथी यहाँ काफी कमजोर हुआ है और वामपंथी का जिसमें बोलबाला था हमारे यहाँ लगभग मेरे रीजन में विभिन्न तरह के आज वो परिवार का घर लुटा गया मेरे समक्ष। हम लोग या हम उम्र जितने थे वो सब गवाह, कानून अपने हाथ में लेकर डंटा के बल पे शासन करता था। आज वो कमजोर हुआ है, हमारे गांव में अभी ये सब बात नहीं होती। मेरे गांव में बाहर के अपराधी बाजाबते के साथ हम लोग देखते थे, कंधा में बंदूक लटका करके, कमर में गोली लटका करके वो सब वामपंथी हुआ करते थे, घुमा करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज चूंकि वो वामपंथी कमजोर हुआ है इसलिए हम लोगों के यहाँ अमन है, चैन है, बेहतर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में मेरे जन्म से पूर्व का ये सब संस्था है और सब दिन काम होता था, लेकिन आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे गांव का 10 मजदूर वहाँ काम करता है। लेकिन आज मेरे गांव का 300 से 400 युवक डेली जाता है और रिफाइनरी फर्टिलाइजर के निर्माण में अपना सहयोग देता है, और मैं जब उसे बात करता हूं तो कहता है कि 600, 700, 800 रुपया मैं पर डे कमा कर के लाता हूं। ये बदलाव वामपंथ के कमजोर होने से इस क्षेत्र में पड़ा है और यह क्षेत्र विकास के दर को हासिल करते जा रहा है। सर कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन में तो वामपंथी की जो मतलब वहाँ पे जो प्रदर्शन दिखाया गया है उससे तो नहीं दिखता कि बेगूसराय में वामपंथ कमजोर अस्तित्व में। हम लोग बचपन से वामपंथ को झेले हैं, बचपन से वामपंथ को देखे हैं और उसी के सवाल के हिसाब से अपना जवाब तैयार किए हैं, तब वामपंथ खत्म हुआ। वामपंथ में जो भी है परिवार का लोग, जो भी है परिवार का लोग, किसी जुलूस में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, सबको जाना है। कटनी खटनी मजदूर जो भी है आज बंद कर दो, आज अमुक नेता आने वाले हैं। मतलब जितने लोग शामिल होते हैं नॉमिनेशन में उतने ही वोट भी आते हैं क्या? हाँ वही पता कीजिए, ये सारे भी कुछ पुराने लोग हैं, सब वामपंथ कहते हैं। जिस दिन कोई नेता आता था उस दिन खेत खलिहान कटनी दौनी सब बंद कर दीजिए, आज अमुक नेता आ रहे हैं, ये उसका कल्चर है। और हम लोग कोई काम करते हैं तो बजाते के साथ कहते हैं कि यदि कोई काम है तो आप नहीं जाइए, यदि फुर्सत में है तो आज ये कार्य है, चलिए 2 घंटा में हम लोग आ जाते हैं। तो जिन लोगों को फुर्सत होता है वो लोग चलते हैं, जिन लोगों को फुर्सत नहीं होता है क्योंकि भावना से एक ही है तो जाना क्या जरूरी है, नहीं जा पाते हैं। क्या लगता है 2019 का चुनाव बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के लिए? बेगूसराय संसदीय क्षेत्र राजा उम्मीदवार को विजय बनाएगी और भारी बहुमत से विजय बनाएगी। गिरिराज सिंह? हाँ गिरिराज सिंह। तनवीर हसन भी तो हैं? हाँ। कन्हैया कुमार टक्कर दे रहे हैं या तनवीर हसन टक्कर दे रहे हैं? तनवीर हसन टक्कर दे रहे हैं, कन्हैया कुमार का वोट कहीं नहीं है। और जितना वो परेशान होते हैं, जितना वो छटपट करते हैं, जितना वो बदजुबानी करते हैं, उतना हमारे क्षेत्र के मतदाता में उनके प्रति समझ खराब बनती जा रही है। आपको नहीं लगता कि आज के परिदृश्य में जो राजनीतिक भाषा का जो स्तर है वो माँ तक गई और माँ से चल के नानी तक पहुंची हुई है, आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? बहुत गलत है। हम लोग छोटा सा पंचायत, माँ हो या माँ की माँ, इज्जत तो किसी को भी करना ही चाहिए।
हाँ इज्जत करनी चाहिए। राजनीति में जो बड़े लोग हैं वो जो बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उसका अनुकरण लोग टेलीविजन पे मीडिया के द्वारा अखबार के द्वारा उसका अनुकरण करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक के बड़े चेहरे हैं उन्हें भाषाई मर्यादा का पालन करना चाहिए। सर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जो पीएचडी की डिग्री भी धारण किए हुए हैं उनका कहना है कि गिरिराज सिंह को नानी याद दिला देंगे। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार ऐसा करने में सक्षम भी है? उनके पास और कुछ है नहीं। अब उन्होंने क्या किया, नकारात्मक भाषा का प्रयोग करके आज देश के लीडर बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कोई सकारात्मक कार्य कोई यानी कि आज से कुछ दिन पहले जो भी शोर शराबा उनके नाम के को लेकर के हुआ था, देश की बात को लेकर के जो हुआ था वो सब चुनाव लड़ने के लिए हुआ था। हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने शोध किया कि कुछ बुरे लोग जीत रहे हैं, बुरे लोग जीत रहे हैं तो मैं भी अपने दल में जो सबसे बुरा उम्मीदवार हो उसे ला करके मैं ट्राई करता हूँ कहीं वही तो नहीं जीत जाए, इसीलिए वो खोज करके कन्हैया जैसा उम्मीदवार को लाया। महागठबंधन ने स्वीकार नहीं किया और महागठबंधन अपना इसे लंबी पारी खेलनी है, लंबा राजनीतिक जीवन जीना है, ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के अपनी छवि को धूमिल करना वो नहीं चाहता था, इसलिए महागठबंधन ने उसे साथ नहीं दिया। अच्छा तनवीर हसन में ऐसी क्या कमियां हैं कि लोग उनको वोट जीतने के लिए नहीं दे पा रहे हैं? तनवीर हसन को सुनते हैं जी, वो नेता है और कई एक बार चुनाव में भी खड़ा होते हैं, फोटो वोटो में भी कभी कभी आते हैं, हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में कभी कभी हिंदू मुस्लिम हुआ हो, कभी कहीं आगजनी की घटना हो गई हो या कभी कोई बड़ा दुर्घटना हो गया हो, तो समाज आपका है, क्षेत्र आपका है, गांव आपका है, यदि तो आपको वहां पर सहानुभूति पूर्वक जाना चाहिए। आज तक कभी मैं हम लोगों ने फील्ड में नहीं देखा, हाँ मीडिया में मैं देखता हूँ। सर जब आप आगजनी की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहेबपुर कमाल विधानसभा जहाँ से उनके घर की दूरी मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर, और वहाँ पे एक नवटोलिया है जगह जहाँ पे 10 बीघे गेहूं की फसल जल के राख हो गई, और इन राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी खेती करने के अलावा किसानों की खेती कोई सुध-बुध लेने भी नहीं गए, ना कोई पदाधिकारी ना कोई राजनीतिक। यही तो उन लोगों की पूंजी है, हम लोगों की पूंजी जो भी राजनीतिक में है उनकी पूंजी जनता है, जनमानस है। यदि हम उनके साथ जनप्रतिनिधि क्या होता है, जनप्रतिनिधि जनता का फोटो स्टेट होता है, मूल हुआ जनता, प्रतिनिधि उसका हुआ फोटो स्टेट, उसके अनुरूप उसके साथ चलने का, उसके अनुरूप दिखने का फोटो स्टेट का वही काम है। तो जनता मूल हुई और जनप्रतिनिधि उसके फोटो स्टेट हुए, जैसे विधायक होते हैं फिर विधायक प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करता है, मूल रूप से विधायक होते हैं लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि विधायक प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि मंत्री प्रतिनिधि, वो मंत्री नहीं होता है वो उसका फोटो स्टेट होता है, जैसे उसी प्रकार एक जनप्रतिनिधि जनता का फोटो स्टेट होता है, मूल जनता। मैं तो नरेंद्र मोदी में भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और उन्होंने हमारे अंदर नरेंद्र मोदी ने विश्वास पैदा किया, नरेंद्र मोदी के हाथ मेरा देश सुरक्षित दिख रहा है। 2019 के चुनाव को लेकर अपने जनता अपने पंचायत की जनता के नाम कोई संदेश? 2019 लोग देखे राष्ट्र हमारा सुरक्षित किनके हाथ में है, बिहार हमारा सुरक्षित किनके हाथ में है। जब बिहार और झारखंड बंटवारा हुआ था उस समय एक बिहारियों के नाम एक भद्दा मजाक एक भद्दा गीत सब जगह गाया जाता था, उस अलग भेलो झारखंड आब खई है शकरकंद। लेकिन उस समय भी नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार को संभाला और आज बिहार के गौरव को गिरने नहीं दिया और बिहार के बच्चे को भूखे नहीं रहने दिया, उसे शकरकंद खाने की जरूरत नहीं। आज बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए शिक्षा के स्तर में सब चीज के स्तर में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना परिचय? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है, मैं बीरपुर प्रखंड का उप प्रमुख हूँ और पंचायत समिति सदस्य पश्चिम पंचायत से। क्या
किस नजर से देख रहे हैं 2019 के चुनाव को? क्या तो अपना नजरिया कहता है कि अगर मोदी जी फिर से एक बार आ जाए तो इस देश का कल्याण होगा। 72,000 रुपए जो छूट जाएंगे तो 72,000 रुपए जी राहुल गांधी वाले। देखिए सबका अपना अपना एक चुनावी लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है, उसका अपना एक अब पहले का एक दौर था जो जनता मूर्ख होती थी, वो शिक्षित नहीं थी। आज गांव में देख लीजिए, गांव में 80% लोग साक्षर है, 80% साक्षर है, वो सारी चीज को समझते हैं कि हम मेरा देश हम कहाँ पर सुरक्षित हैं, किसके हाथ में अगर हम सत्ता सौंपे जो हम सुरक्षित रह सकें। आज देख लीजिए, एक समय था जो हम बात करने के लिए कतराते थे, और एक समय है जो हम उसके घर में जाकर के उस पर हमला करते हैं, उसके बाद भी पूरा संपूर्ण देश शांत रहता है, कुछ सारे हमारे सपोर्ट में बोलता है। एक दौर था जो हमारे विरोध में सारे लोग बोलते थे, एक समय है जो हमारे सपोर्ट में बोलते थे। इस वजह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना निश्चित रूप से, और ये जो नोटबंदी किया, जीएसटी की बात कर रही है, ये सब क्या? देखिए बेरोजगारी, देखिए नोटबंदी जीएसटी बेरोजगारी ये होना चाहिए था। नोटों का कई क्या कहते हैं उसको कारोबारी, वो नोट का कालाबाजारी करके, मतलब वो जरूरी था, जरूरी था, बिल्कुल जरूरी, जरूरी था, इसीलिए उन्होंने किया, इसीलिए आपने आप तो पंचायत समिति भी हैं, आप अपने समिति के कार्यकाल में 3 साल लगभग क्रॉस हो गया है, ये बताइए काम क्या किया है? हम लोग के राशि में सरकार जो देती है यहाँ उसके फंड से हमने अपने पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड में काम करने का काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप जब बीरपुर इन कीजिएगा तो आपको पहले शुरुआत में ही मिल जाएगा थाना परिसर। थाना परिसर में वहाँ बैठने का जगह नहीं था, हमने अपने पंचायत अपने प्रखंड में पंचायत समिति की जो पंचम की राशि है उससे वहाँ पर प्रतीक्षालय भवन निर्माण करने का कार्य किया है। बीरपुर पश्चिम पंचायत में सामुदायिक भवन जर्जर था, उसको बनाने का काम किया है। जगदर पंचायत में नाट्य कला मंच और वो बैठका उसको दुरुस्तीकरण करने का काम किया है। नौला में काम किया, लगभग हर एक पंचायत में हमने काम किया है, और अपने खुद से प्रत्येक पंचायत में जाकर के जनता से मिलना, रूबरू होना, उसके दुख दर्द को समझना। शौचालय निर्माण, शौचालय निर्माण हमारे प्रखंड में बहुत ही बेहतरीन रहा है, और दिक्कतें आ रही है कि पैसे की, पैसा लोग आराम से दे देते थे, पैसा लोग नहीं, पैसा लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लोगों के अकाउंट में ब्लॉक के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मेरा मतलब है कि कुछ लोग बता रहे थे कि कमीशन का चर्चा आया था, प्रकाश में आया था, लेकिन उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया, वो व्यवस्था खत्म हुई, बिल्कुल वो व्यवस्था थी लेकिन थी वो खत्म हो गई, जिसमें हम लोग कमाई आप लोग का हुआ नहीं जी, नहीं उसमें हम लोग का कमाई वमाई नहीं, और किसी का कमाई होने नहीं दिए हम लोग। अच्छा आप खुद भी नहीं करते हैं, किसी का होने भी आपको कौन जिताएगा बताइए? बिल्कुल जिताएगा, जनता जिताएगी, जनता का भला हुआ, जनता का एक रुपया नहीं लगा है शौचालय में, शौचालय का पैसा दुरुस्त रूप से जनता को मिल रहा है, क्यों नहीं जनता हमको जिताएगी? प्रमुख साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया।